नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महिला डॉक्टर ने पत्रकार के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। महिला चिकित्सक ने सिराज ए हिंद अखबार के संपादक और उनके साथियों पर लगाया गंभीर आरोप। चिकित्सक शाहिना खान ने सिराज ए हिंद के समूह संपादक नौशाद अली, मिंटू और उनके दो साथियों पर हर महीने 25,000 रुपए वसूली करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि संपादक और उनके साथी उनके हॉस्पिटल आए और अपना कार्यालय डालने के लिए एक रूम मांगे और बोले कि मेरे रहते हुए शासन प्रशासन और मीडिया वालों से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह सब मेरे अंडर में रहते हैं। मनीष कुमार चौहान की क्या खास रिपोर्ट। क्या मामला है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर शाइना खान है। पिछले 3 सालों से एक अस्पताल में संचालित कर रही हूँ जिसका नाम है लाइफ पॉइंट हॉस्पिटल गौरावाशापुर चोरसन। उसकी ऑनर भी मैं हूँ और हॉस्पिटल 3 साल से चल रहा है। और ज़िले के एक पत्रकार साहब हैं जिनका नाम है सैयद नौशाद अली, जो शायद सिराज हिंद के समूह संपादक हैं। एक दिन वो मेरे अस्पताल पर आए और मुझे अपना कार्यालय डालने के लिए एक रूम मांगे और मुझसे ये भी कहा कि मेरे रहते हुए आपको किसी प्रकार की शासन प्रशासन मीडिया सीएमओ ऑफिस से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सब मेरे अंडर में है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरा एक वीडियो बनवा लिया और वीडियो बना के ये मुझे ब्लैकमेल करने लगे और मुझसे कहने लगे मुझे 25,000 रुपये महीना दीजिए नहीं मैं आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगा। और मुझे लगा कि इससे मेरी छवि ख़राब हो जाएगी। वीडियो क्या था ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इनको 25,000 देती गई। जो पैसा आपने उनको दिया है मैडम, वो आपका प्रूफ है कुछ? वो पैसा मैंने अपने अकाउंट से दिया है, गूगल पे से दिया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है और जो मैंने बाय हैंड दिया है वो मैंने सिग्नेचर करवाया है। कितने लोग आते थे आपसे वसूली करने? आते थे एक सैयद नौशाद अली है, एक सलीम है और एक अम्मार करके है। कई सारे लोग हैं लेकिन मैं बाय नेम बाय फेस सिर्फ 3 ही लोग को जानती हूँ। ये तीनों लोग आते थे पैसा लेने के लिए? हाँ, ये तीनों लोग। कितने साल से आपसे पैसा लिया? 3 साल से मुझसे 25,000 महीना ले रहे हैं। अब फिर मांगने आए थे? फिर ये अभी 10 दिन पहले मुझे वार्निंग देके गए थे कि मुझे जो है 25,000 रुपए महीना चाहिए और इस समय मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए क्योंकि मैंने 3 साल से इनको पैसा कर्ज लेके उधार लेके बहुत तरीके से पैसा दिया। अब मैं एकदम निरस्त हो गई उनको पैसा देने में। तो अब आप क्या चाहती है यहाँ के प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से सिर्फ यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और ऐसे दलाल पत्रकारों से छुटकारा मिले। धन्यवाद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवास न्यूज।